दोस्तों हमारे चैनल घरेलू नुस्खे को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मखाना और दूध दोनों सेहत के लिए लाभकारी होता है, क्योंकि मखाना और दूध में आयरन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कॉपर जैसे कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। दूध में मखाना डालकर सेवन से डायबिटीज और ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है। चलिए जानते हैं मखाना दूध खाने के फ़ायदों के बारे में। पाचन रहता है दुरुस्त। मखाने और दूध को साथ में खाने से पाचन सही रहता है, क्योंकि मखाना दूध पेट से संबंधित बीमारियों जैसे कि गैस, कब्ज और ब्लोटिंग सभी को सही रखने में मदद करता है। अगर आप पेट से परेशान हैं तो मखाना और दूध को साथ में खाना शुरू कर दें। शरीर में बढ़ाए प्रोटीन। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो दूध और मखाना खाना शुरू कर दें। ऐसा इसलिए भी क्योंकि मखाना और दूध में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है, जो शरीर के मांसपेशियों के निर्माण करने में अहम भूमिका निभाते हैं। शरीर में बढ़ाए एनर्जी। मखाना और दूध में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो एनर्जी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। दूध में भी एनर्जी मिलता है और मखाने में भी एनर्जी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ऐसे में अगर आप मखाना और दूध को साथ में खाते हैं तो इससे आपके शरीर में एनर्जी लेवल तो बढ़ेगा ही, साथ ही आप अंदर से मजबूत रहेंगे, हड्डियां मजबूत रहे। जिन लोगों को हड्डियों से जुड़ी परेशानी है, अगर वे मखाना और दूध का सेवन साथ में करते हैं तो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी, क्योंकि दूध और मखाना में कैल्शियम, विटामिन डी और अन्य मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो हड्डियों को मजबूत तो करता ही है, साथ जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलता है। मानसिक स्वास्थ्य। दूध और मखाना में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन B12 और अन्य विटामिन्स भरकर पाए जाते हैं, जो मानसिक स्वास्थ्य को सही रखते हैं। अगर आप मखाना और दूध दोनों साथ में खाते हैं तो इससे डिप्रेशन को रोकने में मदद मिलता है। वजन होता है नियंत्रित। मखाना और दूध साथ में खाने से वजन तेजी से नियंत्रित होता है। अगर आप मोटापे से जूझ रहे हैं तो मखाना के साथ दूध खाना शुरू कर दें, क्योंकि दूध और मखाना में फैट और कैलोरी कम मात्रा में होते हैं, जो वजन नियंत्रित करने में मदद करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।